हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मान लो कि अगर आप कोई फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और आपकी कार खराब हो जाती है और फौरन इमरजेंसी में आपकी फ्रेंड की कार लेके जाते हो और रास्ते में आपको याद आता है कि कार में पेट्रोल या डीजल भरना है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी कार पेट्रोल है या डीजल, और आपके दोस्त का फ़ोन भी ऐसे कंडीशन में लग नहीं रहा है और फ्यूल टैंक की जो कैप है उसके ऊपर भी पेट्रोल या डीजल प्रिंट नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कार पेट्रोल है या डीजल है? सो कुछ बेसिक्स है, अगर वो आपको पता हो गए। सो अभी ये फ़ोटो में आप देख सकते हो कि जो अभी पहली वेंटो गई उसके ऊपर सिर्फ एक वेंटो नाम था, वो पेट्रोल कार थी, और ये जो वेंटो आप अभी देख रहे हो इसके ऊपर TDI प्रिंट आया हुआ है, यानी कि ये एक डीजल वेंटो है। सो ये बेसिक्स है, जो बेसिक्स से आपको पता चलेगा कि आपकी कार पेट्रोल है या डीजल। और एक कंडीशन है जिसके थ्रू सिंपली आपको पता चलेगा, जो RPM मीटर है, अगर RPM मीटर 8 के आसपास रहता है या 9 भी रहता है, सो ऐसी जो कार रहती है वो पेट्रोल कार रहती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वेंटो पेट्रोल, और अभी आप ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है वेंटो डीजल, इसका जो RPM है वो 6000 RPM है। अब इसके पहले जो वेंटो थी उसका जो RPM मीटर था वो 8000 तक था, और ये डीजल वेंटो है इसका 6000 RPM तक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये डीजल कार है। एक और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ये बलेनो है, ये पेट्रोल बलेनो है, इसका जो RPM है वो 8000 तक रहता है। जो पेट्रोल कार रहती है उसके अंदर 8000 तक RPM रहता है, और जो डीजल कार रहती है वो डीजल कार के अंदर जो RPM रहता है वो 6000 के आसपास रहता है, यानी कि 6000 ही रहता है। अभी ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक बलेनो है, ये डीजल बलेनो है, इसका जो RPM मीटर है आप देख सकते हो ये 6000 RPM तक रहती है। सो आज के जो वीडियो है उसके अंदर मुझे यही आपको एक्सप्लेन करना था कि जो पेट्रोल कार रहती है उसके अंदर जो RPM मीटर रहता है वो RPM मीटर देख के ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कार पेट्रोल है या डीजल है। अगर कोई भी कार में आप बैठते हो अगर वो पेट्रोल रहती है, सो समझ जाइए कि उसका जो RPM है वो 8000 तक रहता है, और कोई भी आप डीजल कार में बैठते हो तो समझ जाइए कि वो डीजल कार का जो RPM है वो 6000 तक रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। Streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.